गौशाले में एक बार गाय बंद हुई थी सिर्फ 24 घंटे के लिए, लेकिन 24 घंटे के बाद ना तो इसने गाय दिखानी और ना कभी वो दिखाना। खाना नहीं खाया, लेकिन घर से फोन आ गया कि भाई खेत में गाय है, तो आ जाते हैं 1 बजे 2 बजे। आदमी आता है उनको भगाता है, उधर उधर कटती हुई है, किसी के तार खेत में लगे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं, ये वो जानवर है जो गौशाले में होने चाहिए, गौशाले में ना होके यहाँ पे खेतों में एक जगह झुंड बैठे हुए हैं, जो पूरी रात लोगों को परेशान करते हैं, खेती करते हैं। यूपी के गौशाला की पड़ताल, तेज ठंड और भूख से तड़प तड़प कर मर रही हैं गाय, किसान है सबसे ज्यादा परेशान। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हम अपनी इस गौशाला पड़ताल में पहुंचे उत्तर प्रदेश के अमृतपुर विधानसभा में। विधानसभा के गौशालाओं की हालत इतनी खराब है कि बहुत सी जगहों पर मृत गायों के अवशेष देखने को मिल जाएंगे और कई जगह तो गौशाला ही नहीं बने हैं, और कहीं कहीं तो लोग इतनी ठंड के मौसम में रात रात भर अपने खेतों में पड़े रहते हैं। जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राज्य के सभी गौशालाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था और संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों को जिला का दौरा कर एक सप्ताह के भीतर जिलेवार स्थिति रिपोर्ट पेश करने की बात की थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि मवेशियों के लिए हरा चारा, भूसा आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, लेकिन अब बिल्कुल उलट स्थिति सामने आई है। छुट्टा पशु कहीं चरना जाए वोट की फसल, क्योंकि खेतों में कट रहे किसानों के दिन रात। 2012 से लेकर 2019 तक देश के बाकी हिस्सों में आवारा मवेशियों की संख्या में 3.2% की कमी आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी आबादी में 17.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि राज्य सरकार ने गौशालाओं की स्थापना की है, अतिरिक्त कर लगाया है और गाय कल्याण योजनाएं भी शुरू की हैं, लेकिन समस्या कम नहीं हो पाई है। आवारा पशुओं से किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है। गांव के लोग कहते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा, खेती ही हमारे अस्तित्व का एकमात्र साधन है। किसान कहते हैं, ठंड के इन दिनों में हम दिन रात अपने खेतों में खुले में पड़े रहते हैं, फिर भी ये छुट्टा पशु हमारी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो आइए कुछ लोगों से उनकी समस्या जानने की हम कोशिश करते हैं। तो आज हम आ चुके हैं फरुखाबाद के अमृतपुर विधानसभा 193, जिसके अमृतपुर गांव पे ही है। आइए लोगों से चर्चा करते हैं यहाँ के गौशाला के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज शुक्ला। मनोज शुक्ला, इस गौशाला में एक बार गाय बंद हुई थी सिर्फ 24 घंटे के लिए, और था लड़का राजवीर था फकरपुर का, ठीक है, लेकिन 24 घंटे के बाद ना तो इसने गाय दिखानी और ना कभी वो दिखाना। ये गौशाला बने हुए कितने साल हो चुके हैं? इसको हो चुके हैं लगभग 5 साल है। 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में एक बार सिर्फ 24 घंटे के लिए जानवर आए थे? एक बार हमने 24 घंटे के लिए हमने देखे, 24 घंटे के लिए, उसके बाद नहीं देखा। उसके बाद से कोई भी जानवर यहाँ कभी नहीं आया? कोई जानवर, कोई कर्मचारी नहीं आया। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम विनय शुक्ला। विनय शुक्ला, आप इसी ग्राम के हैं जी? यहाँ पे ये बताइए, जो गौशाला बना हुआ है यहाँ, कभी भी कोई आपने वो देखा है कि कोई भी चारा करा जा रहा है किसी जानवर को रख के? ये कुछ नहीं। कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं। तो यहाँ के जानवर कहाँ जाते हैं? सब रोड पे खुला घूमते रहते हैं? खुला घूमते हैं, खेत खा रहे हैं सारे, शाम को चाहे तो आप देख लेना आके। अच्छा, हजारों आदमी परेशान है यहाँ पे। काम क्या हो, गौशाला के अंदर गेहूँ खड़े हैं, खेती हो रही है। तो लोगों की समस्या है यहाँ पे, कोई भी गौशाले पे कोई भी काम नहीं हुआ अभी तक, और एक भी जानवर नहीं है यहाँ। कितने जानवर की वैसे व्यवस्था है? कम से कम 400-500 जानवर की व्यवस्था है। 400-500 जानवर की व्यवस्था है, वो 400-500 जानवर बाहर घूम रहे हैं यहाँ? 400-500 नहीं, 1000 घूम रहे हैं। 1000 जानवर बाहर घूम रहा है। आपका क्या नाम है? सोनू शुक्ला। सोनू शुक्ला जी, आपकी क्या समस्या है? अरे सर, यही समस्या है, रात में बहुत दिक्कत होती है गाय रखाने में, घर पे नहीं लेटते हैं, रात में खेत में आते हैं, 10-11 बजे जाते हैं, आवारा पशु बहुत घूमते हैं, कम से कम 1000 गाय है, खाना नहीं खाया, लेकिन घर से फोन आ गया कि भाई खेत में गाय है, तो आ जाते हैं 1 बजे 2 बजे। तो पूरी पूरी रात आप लोगों को खेत पे ही रहना पड़ता? पूरी रात 1000 आदमी टोटल खेत में रहता है शाम को, और कम से कम 2000 गाय है सर, और इस गौशाला में कभी कुछ व्यवस्था नहीं हुई है, 24 घंटे के लिए हुई है, उसके बाद कुछ व्यवस्था नहीं हुई है। प्रधान अमृतपुर, इसमें गेहूँ उसके खड़े हुए हैं, उसने गेहूँ की फसल कराई है इसमें। अच्छा, मतलब जहाँ चारा होना चाहिए वहाँ गेहूँ की फसल हो रही है जी? अमृतपुर का प्रधान द्वारा की गई है इसमें, और उसमें और ये टीन के शेड जो पड़े हुए थे 24 घंटे के लिए, वो भी लोग उतार उतार कर अपने अपने घर के लिए। ये जो टीन के शेड पड़े थे, ये टीन शेड पूरे खोल लिए गए जी? टीन के शेड खोल लिए गए हैं, इसमें तार लगा था वो भी खोल लिया गया, जो व्यवस्था की गई थी वो सब बेकार हो गई है इसमें। अभी चलो हम दूसरे गाँव में आपको दिखा देंगे, 1000 गाय कम से कम बैठी हुई है उसमें।
प्रधान के साथ चलोगे तो कुछ नहीं होगा, ऊपर ही से चले चले प्रधान कुछ नहीं करेगा। प्रधान यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, प्रधान के हाथ में कुछ नहीं है। प्रधान कोई नहीं करेगा, ना अमृतपुर का करेगा, ना बलीपट्टी का, ना फकरपुर का, ना मंझा का। यहाँ कितने प्रधान लगते हैं? इसमें चार प्रधान है गौशाले में, चार प्रधान है, चार में से चार में से कुछ नहीं करेंगे। अगर अमृतपुर को छोड़ो, बलीपट्टी को बंद करावे या नहीं बंद हुई, मंझा को बंद करावे नहीं बंद हुई, फकरपुर को करावे नहीं बंद हुई, सब गैया बंद हुई, अपनों कर्मचारी दे चार ही प्रधान गई आई पैसे गई नहीं। मेरा नाम प्रेमपाल है। प्रेमपाल है, यहाँ की गायों की क्या समस्या है? गायों साढ़ की सब गाय साढ़ का समस्या है तो खेत में खाती हैं, खेतों में रहती हैं, खेतों में खाती हैं, खेतों में रहती हैं, और आदमी आता है उनको भगाता है, उधर उधर कटती भी हैं, किसी के तार खेत में लगे हुए हैं, साढ़ टक्कर भी मारते हैं, साढ़ टक्कर भी मारते हैं, खाली यहाँ तो टक्कर मार ही देगा। अच्छा, साढ़ मारने को भी दौड़ते हैं आप लोग? हाँ, लाठी डंडा ना हो कुछ तो टक्कर भी मार देता है। तो गाय तो गाय माता है, साढ़ तो पिता है, तो गाय माता और पिता की सेवा नहीं हो रही कुल मिला के, और क्या है? जो माता पिता की सेवा खाली बना दिया गया है माता पिता, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं कर पा रही सरकार। नहीं 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 है साहब, ये जिस दिन से बन गया है खाली इसमें दो चार महीने के लिए गाय बंद हुई थी, सो कब जब चौमास चौमास टाइम पर उसमें कुछ नहीं होता है, गाय होने ही नहीं देती है, तो इसलिए चार पाँच महीने खाली गाय बंद रही, फिर भी ये बंद फिर से बंद हो गया। कुल मिला के यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हुआ है, इस गौशाले पे कोई भी कार्य नहीं किया गया है।